Hi learners, this is Alisha Mahajan from Money Academy. Hope you are doing well. In the previous lecture video, we have talked about हमने बात करी forward क्या होता है, future क्या होता है, call क्या होता है, put क्या होता है, swap क्या होता है. इसी में बच्चे बहुत confused रहते हैं और हमने अपनी 15 मिनट की वीडियोस में शायद इन सबको एक्सप्लेन कर लिया था इकट्ठे मिलाकर 15-20 मिनट की वीडियो में. अब हम क्या बात करेंगे, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के ना इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो. हेडिंग डाले अपने अपनी कॉपीज पर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट. ये आपका यूजीसी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो इसको अच्छे से करिएगा. सबसे पहले थी यूरो करेंसी, इसका हेडिंग डाल लीजिए यूरो करेंसी. अब देखो ये हमारी एक ऑफिशियल करेंसी है, किसकी, यूरोपियन यूनियन की. यूरोपियन यूनियन की ये हमारी ऑफिशियल करेंसी है, ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पर हम कह सकते हैं ये ऑफिशियल करेंसी बनी थी 19th नंबर पर, ठीक है. यूरोपियन यूनियन के टोटल बेसिकली 28 मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, जिसमें से 19 मेंबर कह सकते हो यूरो करेंसी को मानते हैं, मतलब फॉलो करते हैं, उनके अंदर ये चलती है, ठीक है. ये हमारी यूएस डॉलर के बाद सेकंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल करेंसी होती है, ठीक है. सो आप लिख सकते हैं आफ्टर यूएस डॉलर, यूएस डॉलर नंबर वन पे पता है ना सबसे स्ट्रांग है. सेकंड स्ट्रांग इज, ये स्ट्रांगेस्ट हो गई, ये हमारी सेकंड स्ट्रांग. सेकंड स्ट्रांग कौन सी है, यूरो, ठीक है. तो सेकेंड लार्जेस्ट करेंसी हो गई, सबसे ज्यादा करेंसी वर्ल्ड में आती है यूएस डॉलर के बाद. सो ये आपको याद रखना है इसके अंदर. सो बेसिकली पेपर में क्या पूछा जा सकता है कि ये हमारा कहाँ पर यूज होती है, सबसे पहले यूरोपियन इकोनॉमी, उसके ज्यादा पूछ सकते हैं एक आधी कंट्री का नाम पूछ सकते हैं, तो आप बता सकते हो जर्मनी फ्रांस में बहुत ज्यादा अच्छे से यूज होती है, ठीक है. और डेवलप्ड कंट्रीज में है ये, 19 मेंबर कंट्रीज इन्हें शेयर करती हैं, ठीक है. और एक करेंसी है तो इसका इतना ही हम याद करेंगे. उसके बाद आपको याद करना है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट वर्सेस एडीआर वर्सेस जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट. अब ये क्या होता है, ठीक है. सो बेसिकली सबसे पहले तो आपको याद ये करना चाहिए, जो सेबी है ना, सेबी, उसने बोला फॉरन की शेयर्स में आप पैसा नहीं लगा सकते. बट ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर हम फिर हम इंटरनेशनली ट्रेड कैसे करेंगे अगर हम फॉरेन की कंट्री में पैसा नहीं लगा सकते. तो शेयर का नाम बदल कर रख दिया गया रिसीट. क्या रख दिया गया, रिसीट. इट मींस अगर आपको, ये है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ये है ग्लोबल. अगर आपको अमेरिका के शेयर लेने हैं तो आपको शेयर वर्ड नहीं बोलोगे, क्योंकि सेबी ने शेयर को बैन करा हुआ है. तो हम कौन सी वर्डिंग बोलेंगे, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, मतलब हमें अमेरिका के शेयर में पैसा लगाना है तो हम एडीआर में पैसा डिपॉजिट करवाएंगे. उसके अलावा जीडीआर मतलब अमेरिका को छोड़कर बाकी कंट्रीज आ गई, अगर यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसीट है या चाइना डिपॉजिटरी रिसीट है तो मतलब चाइना में हम पैसे लगा रहे हैं, उसको छोड़कर बाकी सब ग्लोबल में आ जाएगा. ग्लोबल का मतलब होता है ये जो जिसके बारे में हम बात करें ना, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं, अमेरिका को छोड़कर बाकी सारी कंट्रीज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट में आ जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है. सो उसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, वो मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है. सो इन्वेस्टर्स हैं आप, इन्वेस्ट कर सकते हैं ज्यादा यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में, अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में बेसिकली, या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है तो किसी भी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में. सो
जनरली क्या करता है, जो हमारा क्या होता है, बैंक होता है ना, बैंक एडीआर जीडीआर के केस में क्या करता है, स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड एडीआर इशू करता है किसके बिहाफ पर, फॉरेन कंपनी के बिहाफ पर। तो क्या करते हैं बेसिकली, हमारा बैंक और जो जिस कंट्री के साथ हमने डील करना, वो आपस में एक अरेंजमेंट, लीगल अरेंजमेंट के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो क्या करती है बेसिकली, जो फॉरेन कंपनी होती है ना, वो कॉस्ट पे करती है क्या करने के लिए, एडीआर को इशू करने के लिए बैंक को। ठीक है, और बैंक क्या करता है, सारे उसके बदले में इन्वेस्टर्स, हम जैसे इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स हम सारे के सारे पैसा बैंक को डिपॉजिट करवाएंगे। तो एडीआर मतलब अमेरिका के बिहाफ पर ये वाला बैंक की जो है सारी की सारी डीलिंग करता है और अमेरिका से कमीशन ले लेता है। ठीक है, ये होता है जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड एडीआर। ठीक है, स्पॉन्सर्ड एडीआर। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, सारे का सारा ध्यान रखा जाएगा, प्रोसीजर्स का प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे, रूल्स रेगुलेशंस, बैंक भी और अमेरिका डिपॉजिट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट भी। अब एक एडीआर होता है अनस्पॉन्सर्ड, मेक अ हेडिंग, अनस्पॉन्सर्ड एडीआर। अब ये क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। कहते कई बार बैंक अनस्पॉन्सर्ड एडीआर भी इश्यू करता है। अब देखो इसमें क्या है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है फॉरेन कंपनीज की। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, जो हमारा फॉरेन कंपनी है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स यूज कर सकता है, मतलब इसमें एक बैंक के साथ डीलिंग नहीं होती है। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट बैंक के साथ डील करेगा, सो डिफरेंट डिफरेंट डिविडेंड मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वो काम होगा। ठीक है, सो अगर स्पॉन्सर्ड है तो एक ही बैंक होगा इन्वॉल्व। ठीक है, सो एक ही एडीआर होगा, लेकिन जब डिफरेंट डिफरेंट मतलब हम किसी में भी पैसा लगा सकते हैं, तो वो होता है जनरली अनस्पॉन्सर्ड। क्या होता है, अनस्पॉन्सर्ड। ये मैंने आपको समझाया अमेरिका के केस में, सेम हमने जीडीआर के केस में कर लेना है। जीडीआर मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है, अमेरिका की तरह ही है ये। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं, अलग अलग ब्रांचेस होती है, सो हम अलग अलग डिनोमिनेशन में रेज कर सकते हैं शेयर्स, ट्रांजेक्शन इससे होती है। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट एडीआर एंड जीडीआर, जो आपको मतलब समझाना था, शेयर्स ही होते हैं एक तरीके का। इसके बाद हम जो टॉपिक करेंगे, मेक अ हेडिंग, इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल आर्बिट्रेज। क्या होता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज क्या होता है बेसिकली, साइमल्टेनियसली मतलब एक ही टाइम पर बाय और सेल करना फॉरेन सिक्योरिटी को टू डिफरेंट एक्सचेंजेस में। जैसे हमारा इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज ये भी है, अमेरिका का भी फॉरेन एक्सचेंज होता है, हर एक कंट्री का होता है। सो जब दो डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस आपस में बाय और सेल करते हैं, ठीक है, तो एक तरीके का बेसिकली क्या होता है, जब एक्सचेंज रेट में ऑब्वियसली आपको पता है दोनों में डिफरेंस होता है, सो एक बंदे को प्रॉफिट होता है, एक एक्सचेंज रेट को प्रॉफिट होता है। ठीक है, सो एक तरीके का क्या होता है, इस तरीके का हम क्या करते हैं, इसमें मिस प्राइजिंग नहीं करते, इट इज जनरली रिलेटेड टू प्रॉफिट अर्न करने का तरीका। जब हम क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ऑब्वियसली प्राइजेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज में, सो जब डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज होते हैं तो एक इकोनॉमी दूसरे इकोनॉमी से फायदा उठाता है। सो जो दूसरे कंपनी से फायदा उठाना होता है उसे इंटरनेशनल आर्बिट्रेज कहते हैं, उससे हम फायदा उठाते हैं। सो साइमल्टेनियसली परचेज एंड एसेट होता है, इसमें इम्बैलेंस हो जाता है, हमारा एक को प्रॉफिट होता है दूसरे को लॉस होता है, तो जो शॉर्ट टर्म प्राइस डिफरेंसेस होते हैं इनके बीच में उसका फायदा उठाते हैं, इन एफिशिएंसीज का फायदा उठाते हैं और परचेज और सेल करके एक इकोनॉमी को बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, सो आर्बिट्रेज
पैकेज भी हमारे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट टाइप लिखेंगे आप ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज. ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज को हम थ्री पॉइंट आर्बिट्रेज भी कहते हैं. थ्री पॉइंट आर्बिट्रेज लिख लीजिए. इसका मतलब क्या है? जब एक अपॉर्चुनिटी आती है, मतलब बेनिफिट लेने का फायदा आता है, और तीन फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, तीन फॉरेन एक्सचेंज है, तीन ट्रेडिंग है, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, एक्सचेंज स्टार्ट होता है पहला वाला दूसरे के साथ, दूसरे वाला तीसरे के साथ, इस तरीके से, ठीक है. सो थ्री ट्रेड्स होते हैं, पहली करेंसी दूसरी करेंसी के साथ करती है, दूसरी तीसरी के साथ करती है, और तीसरी पहली दूसरे के साथ करती है, दूसरी तीसरे के साथ करती है, और तीसरी पहले के साथ करती है. इस तरीके से चलता है, ठीक है. तो आर्बिट्रेज में जनरली क्या होता है, जीरो रिस्क होता है, फिर भी हल्का हल्का प्रॉफिट तो होना ही होना. सो किसी को किसी इन प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है, क्योंकि तीनों तीनों इम्परफेक्ट मार्केट है, किसी में प्राइस कुछ है, किसी में कुछ है, तो एक तरीके का क्या होता है, बेसिकली प्रॉफिट होता है, ठीक है. तो जनरली ये याद रखना है, हर किसी को प्रॉफिट नहीं होगा, इनमें तीनों इकोनॉमी को प्रॉफिट नहीं होगा. एक को प्रॉफिट हो सकता है, दूसरे को लॉस भी हो सकता है, तीसरे को ठीक ठाक प्रॉफिट भी हो सकता है. तो जब तीन फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठे मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज. सो प्लीज राइट इट डाउन, इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज. नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, सेकेंड हेडिंग लिखे. सेकेंड हेडिंग है हमारे पास लोकेशनल आर्बिट्रेज. लोकेशनल आर्बिट्रेज, जब एक करेंसी, इसमें करेंसी सेम है, पिछले वाले में तीन अलग अलग करेंसी थी, यहां पर करेंसी सेम है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स. ये बैंक नंबर वन, ये बैंक नंबर टू, ये वन बैंक, ये बैंक नंबर टू. सो बेसिकली जब डिफरेंट डिफरेंट रेट पर अलग अलग बैंक ऑफर करते हैं तो इट मींस एक को फायदा हो जाएगा, एक को नुकसान हो जाएगा. लोकेशनल मतलब विद इन वन करेंसी, करेंसी एक ही रहती है और दो बैंक्स के बीच में, दो इनके बीच में आर्बिट्रेज होता है. एक में प्रॉफिट, एक को प्रॉफिट, दूसरे को लॉस. और दूसरी बात क्या याद रखनी है, इसमें करेंसी सेम रहेगी, बैंक डिफरेंट रहेगा, एरिया सेम रहेगा. जैसे पाउंड है तो पाउंड में दोनों, ठीक है. और ये शॉर्ट टर्म होते हैं, वेरी शॉर्ट टर्म होते हैं, ये भी याद रखो. नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ आर्बिट्रेज लिखे, इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज. कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, इसमें क्या किया जाता है, इंटरेस्ट रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर डीलिंग होती है. अब इंटरेस्ट रेट कहाँ कैसे होगा, जब आप कहीं पर इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट के बाद ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना. सो बेसिकली ये क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से ये वाला आर्बिट्रेज करा जाता है. फॉरवर्ड में होता है ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब फ्यूचर वाली डेट पर करना है, हम इतने में ले लेंगे. इंटरेस्ट रेट पर भी हो जाता है, हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें जितना इंटरेस्ट मिलेगा, एक को इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, दूसरे को कम मिलेगा ऑब्वियसली. सो इनडिफरेंशिएट होते हैं, किसी का हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, किसी का कम होता है, तो वो आपस में ये डीलिंग करते हैं. सो तीन तरीके के हमारे इंटरनेशनल आर्बिट्रेज होता है. लास्ट टॉपिक हमारे पास बचता है जो प्लस में रह गया था, दैट इज मल्टी नेशनल कैपिटल बजटिंग. इसमें आपको यही याद रखना है कि एमएनसीज वगैरह करती हैं, सबसे पहले उनके लिए, उनको जरूरी होता है कि बजट वगैरह देखना. दूसरा, इंटरनेशनल टैक्स लॉज इंप्लीमेंट किए जाते हैं इसमें, ठीक है. और वैल्यू इसकी भी सेम है, मतलब जो हम नॉर्मल, हमने बजट का चैप्टर मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, जो हम नॉर्मल बजट में करते हैं ना, वही हम यहाँ पर करते हैं. बस ये याद रखना है इसमें कि हमारा जो टैक्स इम्प्लीकेशंस का यहाँ पर ध्यान में रखना होता है, और किस चीज़ का ध्यान में रखना होता है कि कोई रेमिटेंसेस तो नहीं मिल रहा यहाँ पर. रेमिटेंसेस फंड यहाँ पर मिलते हैं, एमएनसी को बेनिफिट मिलता है, पेरेंट पेरेंट कंपनी उनको बोलती है कि आप फॉरेन कंट्री में जाओ, ये बिजनेस करो,
तो आपको हम बेनिफिट देंगे, रेमिटेंसेस देंगे, पैसा भेजेंगे, ठीक है। सरकार भी बहुत हेल्प करती है अपने कंट्री के बिजनेस को बाहर फैलाने के लिए, बस ये याद रखना है इसमें, बाकी नॉर्मल जो बिजनेस है वही है उसमें। सो आई होप ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है, यूनिट है, इसे कंप्लीट हो गया होगा और आपको काफी क्लैरिटी होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।